नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज लेकर आया हूं आपके लिए मैं DSSB का सॉलिड पेपर। जी हाँ, PGT फाइन आर्ट्स 2018 का जो पेपर हुआ था, जिसका पहला पार्ट हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके थे, यह उसका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग लगभग 40 प्रश्नों का विवरण देखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग आज के 40 प्रश्नों को। और उसके साथ ही यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। तो साथियों, वीडियो का आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल शैली निम्नलिखित में से किस शैली के समान है? यानी गढ़वाल शैली का संबंध जो है वो किस शैली से है, यानी तो किस शैली के समान है? तो इसका आंसर है कांगड़ा शैली। देखिए दोस्तों, गढ़वाल शैली की हम बात करें तो गढ़वाल शैली जो है इसका ऐसा माना जाता है कि जब मुगल सम्राट जब था दारा सिको, उसके पुत्र सुलेमान सिको है, लगभग 1658 में यानी 1658 में यहाँ पर आए थे। उस वक्त गढ़वाल में यानी पृथ्वी शाह उस वक्त वहाँ के शासक हुआ करते थे, और उनके शरण में ये सुलेमान सिको आए थे। और वो उस वक्त उनके चाचा यानी ये कहेंगे औरंगजेब जो है उसे बचते हुए यहाँ तक आए थे। और जब वो यहाँ पर आए थे तो उनके साथ दो चित्रकार थे, श्यामल दास और उनका पुत्र केहरदास। श्यामल दास और केहरदास जो क्या थे, पैसे से एक सुनार थे, तो उनके साथ वो दोनों चित्रकार यहाँ आए थे। लगभग 19 महीने तक यहाँ पर सुलेमान सिको रुका था, उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन श्यामल दास है, और जो श्यामदास और केहरदास जो है वो यहीं रुक जाते हैं, और उन्होंने यहाँ पर रह के कार्य किया। उसके बाद में इन्हीं के पुत्र हुए थे हीरालाल और मंगत राम। हीरालाल हुए थे, उसके बाद में उनका पुत्र मंगत राम हुआ था। और उसके बाद में सबसे विशेष रूप से मंगत राम और शमी देवी जो है उन दोनों का एक पुत्र होता है, इसका नाम है मोलाराम तोमर। तो मोलाराम जो है वो इस गढ़वाल शैली के बहुत ही उम्दा चित्रकार माने जाते हैं, जिनका नाम यहाँ पे बहुत ही ये कहें कि सम्मान के साथ इस शैली में लिया जाता है। और बात करें गढ़वाल शैली की, तो गढ़वाल शैली जो है इसकी चित्रों की मुख्य विशेषता थी पर्णरहित वृक्षों का चित्रांकन। यहाँ पे पत्ते विहीन यहाँ पे पेड़ बनाए गए थे, ठीक है। तो मोलाराम इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। मोलाराम जो है वो 1777 से 1804 तक जो है प्रदीप शाह एक शासक हुए थे, उनके यहाँ पे उन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा ललित शाह थे, जयकृत थे, प्रद्युम्न शाह थे, ऐसे कुछ और शासक हुए थे जिनके अंडर में मोलाराम ने कार्य किया था। और बात करें गढ़वाल शैली, तो गढ़वाल शैली के जो चित्र हैं इनके संग्रह हमें HBN गढ़वाल यूनिवर्सिटी म्यूजियम है, बोस्टन संग्रहालय, कला भवन बनारस, कस्तूर भाई लाल संग्रह अहमदाबाद, ऐसी जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। और जो गढ़वाल शैली है, इस गढ़वाल शैली के ऊपर जो है एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है बैरिस्टर मुकुंदीलाल है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये उन्होंने 1968 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग लिखी थी, जिसमें उन्होंने गढ़वाल शैली के बारे में काफ़ी विवरण किया था। तो ऐसा मानते हैं कि इस गढ़वाल शैली का जो विकास है या इसका जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो बैरिस्टर मुकुंदीलाल को जाता है। साथ में आनंद कुमार स्वामी जो है उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे लेख लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि गढ़वाल शैली के जो मुख्य चित्रकार थे उनमें मोलाराम के अलावा ज्वालाराम थे, तेजाराम थे, ब्रजनाथ थे, ऐसे कुछ कलाकार हुए थे। और तुलसीराम इस शैली का सबसे अंतिम चित्रकार माना जाता है। और इस शैली में एक चित्र जो है मोलाराम ने बनाया था, गोवर्धन धारण का एक चित्र उन्होंने बनाया था गढ़वाल शैली में, ये भी काफ़ी फेमस है। तो गढ़वाल शैली में आप थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन का हम आपको बताएंगे जब हम पहाड़ी शैली को पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चित्रकार नेंसु का संबंध निम्न में से किस शैली से है? तो इसका जवाब है गुलेर शैली से। दोस्तों, गुलेर शैली जो है उससे संबंध रखते हैं नेंसु के। देखिए दोस्तों, नेंसु जो है जिसका जन्म 1710 में हुआ था और 1778 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जो पिता थे वह भी एक चित्रकार थे। इनके पिता जिनका नाम था शेऊ, वह भी एक क्या थे, चित्रकार थे। और इनका जो बड़ा भाई था उसका नाम मानकु था, वह भी एक चित्रकार था। तो नेंसुक है, शेऊ है, मानकु है, ये सभी कलाकार हैं जिनका संबंध गुलेर से है। राजपूत शासक मियाँ जोरावर सिंह थे और बलवंत सिंह थे, उनके समय नेंसुक ने कार्य किया था, लगभग 1740 से 1763 के मध्य यानी 1742-1763 के मध्य इन्होंने गुलेर में रह के कार्य किया था। नेंसुक जो है ये बहुत ही उम्दा किस्म के कलाकार थे। इनके जीवन के ऊपर अमित दत्ता नाम के एक कलाकार हैं, यानी कहें प्रोड्यूसर हैं अमित दत्ता,
उन्होंने एक मूवी बनाई थी, इसका नाम था नैन सुख। तो नैन सुख नाम की मूवी अमित दत्ता ने बनाई थी, और एक कब बनाई थी, 2010 में बनाई थी। 2010 में इनके जीवन के ऊपर अमित दत्ता ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम नैन सुख ही था। इसके अलावा इस शैली के यदि हम चित्रों की बात करें तो जसरोटा के मियाँ मुकुंद देव एक सवारी पर एक चित्र है जो 1740 से 45 के मध्य बना था और वर्तमान में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। इसके अलावा कवि बिहारी राधा कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये भी चित्र हैं जो 1760 से 65 के मध्य के हैं, इसमें बने हुए हैं। इसके अलावा नैनसुख जो है वो 1740 में गुलेर से कहाँ चले गए थे, जसरोटा चले गए थे। 1740 में जसरोटा चले गए थे और वहाँ पर जो थे महत्वपूर्ण जो शासक हुए थे बलवंत सिंह रहे थे उनके समय। इसके अलावा 1763 में नैनसुख जो है वो कहाँ चले गए थे, बसोली में चले गए थे जहाँ पे अमृतपाल के शासक रहे थे। 1757 से 78 के मध्य अमृतपाल वहाँ के शासक थे बसोली में। तो नैनसुख ने जो है जसरोटा और बसोली में भी कार्य किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से महिला सौंदर्य की महिमा अपने चरम पर थी या अपने शिखर पे पहुंची थी किसमें, कौन सी शैली में? तो देखिए आंसर इसका कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली क्यों है दोस्तों, कांगड़ा शैली जो है इसमें महिलाओं का जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है, यानी कांगड़ा शैली जो है उसको नारी सुषमा कला शैली कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि नारी सुषमा कला शैली किस कला शैली को कहा जाता है, तो वो भी कांगड़ा शैली है। इस कांगड़ा शैली में जो चित्र बने थे वो पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायक नायिकाओं के आधारित चित्र बने थे। यहाँ पे जो आकृतियाँ बनी थी उनमें उनकी जो मुखाकृति है वो चांद के समान गोल मुखाकृति होती थी, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आँखें होती थी, इसके अलावा भरे हुए वक्ष और लयमान अंगुलियाँ उनकी हुआ करती थी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे, तो कांगड़ा शैली इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चोल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस देवताओं की प्रतिमाएं व्यापक स्तर पर कांस्य में बनाई गई हैं, कांस्य में बनाई गई है? तो देखो, काली विष्णु शिव पार्वती, जाहिर सी बात है जो चोल काल है, चोल काल में भगवान शिव की नटराज की काफ़ी सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, तो भगवान शिव इसका सही जवाब होगा। नटराज की शिव प्रतिमाएं काफ़ी बनी हैं, भगवान शिव की लगभग जो है ज़्यादातर चतुर्भुज प्रतिमा ही बनी है, चतुर्भुज यानी चार हाथों वाली प्रतिमा ही बनी है। इसके अलावा काली विष्णु पार्वती, पार्वती माता की भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनी है, लेकिन व्यापक स्तर पर बात करें हम लोग बहुत बहुतायत की बात करें तो भगवान शिव की ही बनी है। अगला प्रश्न है, रंग चित्रकारी यानी पेंटिंग गोवर्धन पर्वत की पूजा निम्नलिखित में से किस शैली की मानी जाती है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप यदि DSSB की तैयारी कर रहे हैं ध्यान दीजिए कि यहाँ पे DSSB में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ी शैली के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि पहाड़ी शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी शैली है, राजस्थानी शैली है, तो इस प्रकार से शैली वाइज एक तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप गौर से देखिएगा इनको। तो प्रश्न पूछा गया कि गोवर्धन पर्वत की पूजा निम्नलिखित में से किस शैली की मानी जाती है पेंटिंग, ये तो एक कांगड़ा शैली की पेंटिंग मानी जाती है दोस्तों। हाँ, कांगड़ा शैली जो है इसमें गोवर्धन पर्वत की पूजा नाम का चित्र बना था, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। हालांकि दोस्तों, एक गिरि गोवर्धन नाम का चित्र बना था वो बसोली शैली में था, मेदिनीपाल के समय एक चित्र बना था गिरि गोवर्धन का जो बसोली शैली में बना था, 1730 के अंतर्गत बना था। लेकिन यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की पूजा पूछी गई है तो ये कांगड़ा शैली का ही है। हालांकि जम्मू शैली, कुल्लू और जो मनाली है इनमें हालांकि इससे संबंधित चित्र नहीं बने हैं, यानी मंडी शैली में तो स्पेशली जो है भगवान शिव से संबंधित चित्र बने हैं, और जम्मू और कुल्लू ये भी एक तरीके, कुल्लू ये भी कांगड़ा की एक उपशैलियाँ हैं, तो कांगड़ा शैली इसका सही जवाब है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कुछ विशेष मिला नहीं है, आशा करेंगे कि आपको आगे के वीडियोज़ में इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम दे पाएँ। अगला प्रश्न था, फरकू यानी परखू नाम भी आता है, परखू एक चित्रकार था जो किस शैली से संबंध रखता है? तो इसका जवाब है कांगड़ा शैली। जी हाँ, कांगड़ा शैली के ही चित्रकार हैं परखू। परखू है, खुशाला है, नैनसुख है, मानकू हैं, ये कांगड़ा शैली के चित्रकार थे। तो परखू जो है इन्होंने, इनका जो टाइमिंग रहा था वो 1780 से 1820, यानी 1780 में इनका जन्म हुआ था, 1820 में इनका देहांत हो चुका था परखू का। इन्होंने कांगड़ा शैली में रहते हुए शिव पुराण है, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और हरिवंश आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है राजा संसार चंद्र का एक जो है रेखा चित्र भी इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली से संबंध रखता है? दोस्तों ऑप्शन है इसमें जयपुर, मेवाड़, बूंदी, कोटा, तो ये बूंदी शैली से संबंध रखता है। दोस्तों देखो, पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है, बूंदी शैली है उसको पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। यहाँ पे इनका अधिक चित्रांकन हुआ है। जयपुर जो है वो एक ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती थी, मेवाड़ जो है खुद की एक शैली थी, जबकि बूंदी शैली हाड़ौती शैली के अंतर्गत आने वाली एक शैली है। तो इसके अलावा जो है गीत गोविंद का भी चित्रांकन जो है हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम राजधानी शैली मानी जाती है? दोस्तों सबसे प्राचीन राजधानी शैली की बात कर रहे हैं तो दोस्तों राजस्थान की जो सबसे पुरानी जो रियासत है, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ रियासत है, जबकि सबसे नई जो रियासत है वो शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत है। सबसे बड़ी यदि हम लोग रियासत की बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत थी और सबसे छोटी जो रियासत थी वो झालावाड़ रियासत थी। तो सबसे प्राचीनतम शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और मेवाड़ शैली जो है इसके अंतर्गत उदयपुर है, चावंड है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है, ऐसे कुछ क्षेत्र मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही आते थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मंदिर है जहां रावण और जटोई की प्रतिमा युद्ध की रचना नक्काशीदार प्रतिमा कला में की गई है? तो एलोराखा कैलाशनाथ मंदिर। देखिए दोस्तों, एलोरा कैलाशनाथ मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में है, एलोरा के मंदिर। और ये जो कैलाशनाथ जो टेम्पल है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दे दिया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। एलोरा जो है यहाँ की गुफा संख्या जो 16 है, गुफा संख्या 16 जो है वो है कैलाशनाथ पर्वत, यानी कैलाशनाथ पर्वत नाम से जानी जाती है, कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जानी जाती है। और इस कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो 757, दोस्तों याद रखिएगा, 757 से 83 के मध्य जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम वहाँ के शासक थे, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। तो कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह है एशिया का सबसे बड़ा रॉक कट टेम्पल है, यानी एक ही पर्वत को या एक ही चट्टान को काट के बनाया गया सबसे बड़ा एशिया का मंदिर है, वो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। और इसके अलावा ये है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का एक रेखा चित्र जहाँ पे बनाया गया है, ये एलोरा का ही है। और इसके अलावा हम बात करूँ तो एलोरा के जो है ये कुछ और अन्य मूर्तिकला के उदाहरण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये उसका शिखर है, जो इस प्रकार से शिखर बनाया गया था। और उसके सामने देखिए यहाँ पे दोनों तरफ गज बनाए गए, यानी हाथी की प्रतिमाएं बनाई गई है, ये देखिए। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है एक ही रॉक को काट के बनाया गया टेम्पल है, जो एशिया का सबसे बड़ा रॉक का टेम्पल है। जबकि दोस्तों यहाँ पे नाम दे रखा है लेपाक्षी में वीरभद्र स्वामी मंदिर। तो लेपाक्षी का जो वीरभद्र मंदिर की बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है, लेपाक्षी वीरभद्र का मंदिर। और यह जो मंदिर है ये 16वीं शताब्दी का है, और विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य के समय जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो है कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। ये जो मंदिर है ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट्स पत्थर से बना हुआ है, और ये कुर्माशैला पहाड़ी है, कुर्माशैला पहाड़ी है उसके ऊपर जो है ये मंदिर बना हुआ है, और ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। और ये किस शैली का उदाहरण है? ये द्रविड़ शैली का ही उदाहरण है। और दोस्तों इस मंदिर की सबसे जो खास बात है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक तो इस प्रकार से यहाँ पे शेषनाग की प्रतिमा बनी है, और इसके अलावा ये जो मंदिर है ये मंदिर का परिसर इस प्रकार से है, बहुत सुंदर मंदिर है। और सबसे खास बात इस मंदिर की कि यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं इस फोटो का, आप गौर से देखेंगे तो ये पिलर जो है इसके नीचे, हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी शेडो आ रही है इसकी वजह से लग रहा है कि नीचे टच हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह जो पिलर है ये ज़मीन पर टच नहीं हो रहा है, इसको हैंगिंग पिलर भी जानते हैं, इसको हैंगिंग पिलर वाला टेम्पल भी कहा जाता है। इसके नीचे से आप कपड़ा आर का पार निकाल सकते हैं, यानी ये विज्ञानों के लिए भी एक गुत्थी बनी हुई है कि आखिर किस प्रकार से इतना भारी स्तंभ जो है वो एक हवा में लटका हुआ रह सकता है। साथ ही यह जो मंदिर है, इस मंदिर से कुछ ही दूरी के ऊपर जो है एक विशाल जो है बेल, ये देखिए नंदी, यानी नंदी कहेंगे हम लोग, नंदी के ग्रेनाइट से बनी हुई एक मूर्ति बनी हुई है, जो 15 फीट ऊंची है और 22 फीट चौड़ाई की ये जो है लंबाई की ये जो प्रतिमा बनी हुई है, जो कि बहुत ही दर्शनीय है। तो ये लेपाक्ष का वीरभद्र मंदिर की कहानी है। उसके बाद में हम लोग बात करें अगले चीज़ की, तो बताया जा रहा है देवगढ़ के विष्णु मंदिर के बारे में। तो देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पर है? ये ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसको दशावतार मंदिर भी कहते हैं, विष्णु मंदिर भी कहते हैं। गुप्त काल में ये मंदिर बना हुआ है, 6वीं शताब्दी में बना था ये विष्णु मंदिर है, 6वीं शताब्दी में बना है, पंचायतन शैली के अंतर्गत बना है। और बेतवा नदी घाटी जो है, बेतवा नदी घाटी के घाटी में ये मंदिर स्थित है। और इसका जो मंदिर है, इस मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर, ये ध्यान रखें सर दोस्तों कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो पश्चिम की तरफ है। यह मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार जो है पश्चिम की तरफ है। और इस मंदिर की जो बात करें हम लोग तो 1875 में कनिंघम ने जो है इसकी खोज की थी, उसको विलक्षण सुरम में इस प्रकार से इसको बताया गया था। इसके अलावा जो अगला जो इसमें जो मंदिर दे रखा है वो दे रखा है हीरे हद्दागाली का। हीरे हद्दागाली का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? देखिए ये हीरो हद्दागाली का मंदिर है, इसका ये फ्रंट है, इसका एंट्रेंस दिखाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वास्तुकला का नमूना देखने को मिलता है। ये तो ये हीरे हद्दागाली का मंदिर है। ये हीरे हद्दागाली का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये है बेलारी जिले में, बेलारी जिला जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है।
कर्नाटक में है, इसको कल्लेश्वर मंदिर या कटेश्वर मंदिर, यहाँ देखा है हीरे हद्दागाली कटेश्वर मंदिर है, इसको कलेश्वर मंदिर भी कहते हैं। 1057 ईस्वी में, 1057 ईस्वी में इस मंदिर को बनाया गया था और चालुक्य काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। चालुक्य के समय यानी सोमेश्वर प्रथम उस वक्त वहाँ के शासक हुआ करते थे, तो उनके समय जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, पंचमहल कहाँ बनवाया गया था? तो पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था, और ये बनवाया था किसने? अकबर ने बनवाया था। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा वास्तुकला का नमूना है ये पंचमहल। ये देखिए दोस्तों, ये है पंचमहल जो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। यह जो मंदिर है, यह जो पंचमहल है, ये 4 मंजिला है और इसमें 176 पिलर्स इसमें टोटल बने हुए हैं, 176 टोटल इसमें पिलर बने हुए हैं, और इस महल के जस्ट सामने है एक अनुप तालाब बना हुआ है। दोस्तों ये है पूरा का पूरा पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में, इसमें लगभग 176 पिलर्स बने हुए हैं, जिसके पहले जो तल है उसके ऊपर 84 है, बाद में 56 है, बाद में 20 है और फिर 12, इस प्रकार से टोटल 176 जो इसमें पिलर्स बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो सोमनाथपुर, हेलेबीड, हम्पिया, बेलूर। देखिए दोस्तों ये जो है इसका हेलेबीड में किया गया था, हेलेबीड या हेलेबीडो से नाम आता है। तो ये होयसलेश्वर का जो मंदिर है इसके हालांकि कोई शिखर इसका महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि एक मंदिर बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं होयसलेश्वर मंदिर के बारे में। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और ये हेलेबीडू जो है कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में हसन जिला है, हसन जिले के अंदर हेलेबीडू जो है ये स्थान है जहाँ पर होयसलेश्वर के मंदिर बने हुए हैं। इसको सांतलेश्वर मंदिर भी कहते हैं, सांतलेश्वर शिव मंदिर भी इसको कहा जाता है। और उस वक्त जो है ये बना था, ये मंदिर जो बना था ये विष्णुवर्धन के समय बना था, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में विष्णुवर्धन के समय बना था ये वो मंदिर है जो विष्णुवर्धन के समय बना था। और जो उस वक्त उसके केतम कल्ला उनके एक अधिकारी थे, उस अधिकारी ने इसका निर्माण करवाया था। यह जो मंदिर है ये किससे बना है? साबुन पत्थर से निर्माण हुआ है, इस मंदिर का निर्माण साबुन पत्थर से किया गया है। और एक्चुअली में हेलेबीडू जो था वो मूल रूप से द्वार समुद्रम था, द्वार समुद्रम जो उस वक्त की क्या थी? उस वक्त के राजाओं की राजधानी ये हुआ करती थी और राजधानी होती थी, और इसीलिए यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर की यदि हम लोग संरचना की बात करें तो इस प्रकार से ये मंदिर की संरचना थी। देखिए दोस्तों इस प्रकार से मंदिर संरचना हुई थी, तो बहुत ही उम्दा ये मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है, इसलिए काफ़ी मूर्तिकला का भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पे जो नीचे की श्रृंखला है, श्रृंखला में हाथी और घोड़ों की ये श्रृंखला पूरी बनाई गई है, इसलिए जो है होयसलेश्वर का मंदिर काफ़ी फेमस है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, तारीफ़ हुसैन साई पांडुलिपि निम्नलिखित में से किस शैली में लिखी गई है? देखिए दोस्तों पांडुलिपि की बात कराएं, तारीफ़ हुसैन साई, एक्चुअली में पांडुलिपि क्या होती है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। तो तारीफ़ हुसैन साई जो है इसका निर्माण जो है अहमदनगर शैली में हुआ था। अहमदनगर शैली यानी कि बात करें हम लोग बहमनी साम्राज्य, उस वक्त बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य के टुकड़े होने के बाद में वहाँ पे 5 जो है राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें से गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बरार ये 5 राज्य हुआ करते थे। उनमें से अहमदनगर जो है, अहमदनगर में हुसैन शाह शासक होते थे, निजाम हुसैन शाह जो था प्रथम, उसने इसका निर्माण करवाया था, इस शैली का जो है, या ये कहें कि इस राज्य की स्थापना की थी। और उसके जो पुत्र थे इसका नाम था मुर्तजा, मुर्तजा ने तारीफ़ हुसैन शाही का निर्माण करवाया था, अपने पिता की प्रशंसा में इसका निर्माण करवाया था। इस तारीफ़ हुसैन शाही में 12 चित्र बने हुए हैं और ये जो 12 चित्र जो है ये मालवा में चित्रित एक नियामतनामा नाम का एक ग्रंथ है। नियामतनामा जो चित्रित हुआ है मालवा शैली में, उससे संबंधित इसके चित्र लगभग हैं, यानी उसके समकक्ष लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस जो तारीफ़ हुसैन शाही है इसमें विशेष रूप से निजाम शाह की शादी के दृश्य जो है वो उनका चित्रांकन किया गया है। ये देखिए दोस्तों उसका एक ही चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है तारीफ़ हुसैन शाही का एक चित्र है, इसमें विवाह वाले दृश्य बनाए गए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस शैली में जो चित्र बने हैं उसमें महिला आकृतियों को उत्तर भारतीय शैली में साड़ी पहने हुए दिखाया गया। देखिए दोस्तों इसमें साड़ी पहने हुए इनको दिखाया गया है, ये उत्तर भारत शैली में है, ठीक है। और वर्तमान में जो ये तारीफ़ हुसैन शाही है यह है भारत इतिहास संशोधक मंडल पुणे में ये संग्रहित है। और तारीफ़ हुसैन शाही की बात करें तो लगभग यह 11 कैंटोस की एक फारसी कविता है, फारसी कविता है एक तरीके से, जो कि 11 कैंटोस में, या ये कहें कि 11 स्टेंजा उसके अंदर हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसको रसमंजरी चित्रण कार्य करने का कार्य सौंपा गया था। देखिए रसमंजरी दोस्तों, रसमंजरी जो है ये भानुदत्त द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो भानुदत्त जो है इसके राइटर हैं, ध्यान दें, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि रसमंजरी के रचयिता कौन है, तो ये भानुदत्त उसके रचयिता हैं। बसोली शैली में इस चित्र का निर्माण हुआ था, देवीदास नाम का एक चित्रकार था, देवीदास, जिसने इसका कार्य शुरू किया था।
रस मंदिर जो है वो वसौली के शासक जिसका नाम बताया था मैंने, कृपाल पाल जो है, जो कि उस शैली के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। यानी जिस प्रकार से कांगड़ा शैली में राजा संसार चंद्र का स्थान है, राजा संसार चंद्र का जो समय है वो कांगड़ा शैली में स्वर्णकाल माना जाता है, उसी प्रकार से वसौली शैली का जो स्वर्णकाल है वो राजा कृपाल पाल के समय को माना जाता है। तो रस मंदिर का यहाँ पर चित्रांकन हुआ था। और इस शैली के जो चित्र हैं वो, या रसमंजरी के जो चित्र हैं वो अलग अलग जगह पे संग्रहित है, जिसमें से बोस्टन संग्रहालय है, भारत कला भवन वाराणसी है, डोगरा आर्ट संग्रहालय है और अहमदाबाद के संग्रहालय है, वहाँ पर इस रसमंजरी के चित्र रखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण मामल्लपुरम के सोमकंद नक्काशी फलक का प्रारंभिक संस्करण है? यानी कि जो सोमकंद है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सोमकंद से तात्पर्य कि भगवान शिव जो है, भगवान शिव को माता पार्वती और कार्तिकेय और गणेश जी भगवान के साथ बैठे हुए यहाँ पे दर्शाया जाता था, तो ये सोमस्कंद हुआ करता था। मामल्लपुरम की बात करूँ दोस्तों, मामल्लपुरम जो है ये तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम जो है उसके मंदिर ये हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सप्तरथ मंदिर बने हुए हैं। सप्तरथ मंदिर पे सात रथ मंदिर बने हुए हैं जिनको पेगोडा भी कहा जाता है। और ये सारे के सारे जो मंदिर हैं ये क्या बने हैं, एक ही पत्थर को काट के बनाए गए, यानी कि रॉक कट टेम्पल्स ये हैं, रॉक कट टेम्पल्स हैं। और ये भी किससे बने हैं, ग्रेनाइट पत्थर बने। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर ये जो महाबलीपुरम के या मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वो कौन से पत्थरों को काट के बनाए गए, तो ग्रेनाइट पत्थर को बनाए गए हैं, एकाश्मक शैली में ये है। एकाश्मक शैली की बात करें तो एक ही पत्थर को पूरे काट कर बनाए गए हैं। तो उनमें से जो धर्मराज का रथ है, जिसमें पांच पांडवों की जरूरत थी, उनमें से धर्मराज का रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और इसके अलावा एक गणेश जी का रथ भी बनाया गया था। तो ये जो पंचरथ जो बनाए गए थे, सप्तरथ जो बनाए गए थे, उनमें से एक धर्मराज रथ है। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वो मंदिर है जिसको शोर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। शोर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में, बता रहा हूँ, तमिलनाडु स्टेट जो है वहाँ पर समुद्र तट के पास में ये मंदिर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मंदिर का ये शिखर बना हुआ है पिरामिड नुमा आकृति में, ये बिल्कुल समुद्र तट के बिल्कुल नज़दीक में बना हुआ है। और इसके जो गर्भगृह है, यानी इसका जो ये गर्भगृह है, इसके इस गर्भ में यहाँ वाले इस पार्ट में जो है, यहाँ पर जो है सोमकंद का जो है प्रतिमा रखी हुई है। और ये प्रतिमा ये वाली है, ये प्रतिमा रखी है सोमस्कंद की, जिसमें भगवान शिव को माता पार्वती के साथ दिखाया गया है, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस मूर्ति के जस्ट सामने जो है एक शिवलिंग भी बनाया गया है, शिवलिंग भी इसमें बना हुआ है। इसके साथ ध्यान रखें यहाँ पे और बाकी के मंदिर जो इससे कुछ ही दूरी के ऊपर बने हुए हैं, जो बाकी के पंचरथ हैं, उनके बारे में भी आपको विशेष एक वीडियो बनाया जाएगा, इसमें आप लोगों को काफ़ी जानकारी इसमें दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महेश एक चित्रकार थे जो किस शैली के थे, यानी महेश एक चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं, तो मेवाड़, जोधपुर, मंडी या चंबा? तो इसका सही जवाब चंबा दे रखा है इसमें। जी हाँ दोस्तों, चंबा जो है, चंबा शैली में जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें से नाम आता महेश, लेहरू और निक्का। महेश, लेहरू, निक्का, ये जो है ये तीन मुख्य चित्रकार हैं जो चंबा शैली के हैं। चंबा वर्तमान में कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और चंबा में जो है जो चित्र बने थे वो उदय सिंह के संरक्षण में बने थे, उदय सिंह वहाँ का एक शासक हुआ था जिसके समय जो है चंबा के चित्र बने थे। और इस शैली के ऊपर बसोली शैली का प्रभाव रहा था, और बसोली शैली के बाद में कांगड़ा शैली का प्रभाव भी जो इस शैली के ऊपर देखने को मिलता है। जबकि मेवाड़ और जोधपुर की बात करें तो ये राजस्थान शैली से संबंध रखते हैं, तो इनके बारे में तो आपको डिटेल में जब राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे। जबकि मंडी शैली की यदि हम बात करें तो मंडी जो शैली है, मंडी शैली का सर्वाधिक विकास शमशेर सिंह के शासक हुए थे, शमशेर सिंह के समय ज़्यादा विकास हुआ था। और इस शैली के, यानी कि मंडी शैली की बात करें तो सजनू नाम का एक चित्रकार था, सजनू, ये सजनू चित्रकार है। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि मंडी शैली के कौन से चित्रकार हैं, सजनू या सजनू किस शैली के चित्रकार हैं, तो मंडी शैली के हैं। तो मंडी शैली के जो कलाकार सजनू हैं वो कुल्लू से आए थे, ठीक है। और इन्होंने जो विशेष एक चित्र बनाया था इसके लिए इनको जाना जाता है, वो है हमीर हट का। याद रखें दोस्तों, हमीर हट जो है, इस हमीर हट का चित्र बनाया था किसने, मंडी शैली के कलाकार सजनू ने बनाया था। और इस मंडी शैली के ऊपर भी क्या था, पहले बसोली का प्रभाव रहा था। और हमीर हट में लगभग 21 चित्र बनाए गए थे। मंडी शैली की विशेष बात करें तो मंडी शैली में भगवान शिव की उपासना की जाती थी, यहाँ पे भगवान शिव से संबंधित चित्र भी बने हैं। हालांकि हम लोग बाकी में देखेंगे चंबा में, गुलेर में, कांगड़ा वगैरह में, वहाँ पे भगवान शिव के चित्र इतने नहीं मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से मंडी शैली में भगवान शिव की उपासना से संबंधित चित्र भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, रंग चित्रकार यानी कि पेंटिंग बनी ठनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? आंसर इसका निहाल चंद द्वारा। निहाल चंद, दोस्तों निहाल चंद जिसका पूरा नाम था मोर ध्वज निहाल चंद, ये बनी ठनी का इन्होंने चित्र बनाया था। दोस्तों बनी ठनी जो है वो राजस्थान की मोनालिसा कहा जाती है, भारत की मोनालिसा कहा जाती है। मोनालिसा जो है वो आप सभी जानते हैं, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा एक बनाई गई पेंटिंग जो कि काफ़ी सुंदर पेंटिंग मानी जाती है, तो उसी की उपमा दी गई थी बनी ठनी को, और ये दी थी एरिक डिकिंसन ने। एरिक डिकिंसन वह व्यक्ति है जिन्होंने बनी ठनी शैली को प्रकाश में लाने का काफ़ी प्रयत्न किया था, प्रकाश में लेकर आए थे। इसके साथ उनके
साथ एक और साथी थे जिनका नाम था डॉक्टर फयाज अली। तो डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन जिन्होंने काफ़ी प्रयास, उसके बाद में जो किशनगढ़ शैली है वह प्रकाश में आई थी। और बनी ठनी का जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली का ही चित्र है। और ये चित्र किसने बनवाया था? ये बनवाया था सावंत सिंह ने। सावंत सिंह वहाँ के शासक थे, उन्होंने इस चित्र का निर्माण करवाया था। सावंत सिंह जिनका नाम नागरीदास भी है, भगवान कृष्ण के वो उपासक थे, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अधिक आस्था होने के कारण उसको नागरीदास भी कहा जाता है। तो ये बनी ठनी का चित्र उन्होंने बनवाया था। देखिए चित्र, ये चित्र है दोस्तों बनी ठनी का, जिसमें बनी ठनी को जो है ट्रांसपेरेंट यानी कि यहाँ पे पारदर्शी चुन्नी उसकी बनाई गई है। और यदि हम लोग बात करें शैली के, तो इस शैली में लंबा मुख बनाया जाता था, लंबी नाक होती थी, लंबी पतली नाक होती थी, आईब्रो जो है चापाकार आईब्रो यानी जो है बोहें होती थी, आंखें जो है खंजन पक्षी के समान आंखें बनाई जाती थी, जिनके अंदर हल्की सी लालिमा भी वो व्यक्त किया करते थे, और पतले होठ बनाए जाते थे, अंगुलियां बहुत पतली पतली अंगुलियां बनाई जाती थी। तो ये इस शैली की मुख्य विशेषताएँ थी। ये देखिए दोस्तों, उसी शैली का एक और चित्र है, ये राधा कृष्ण का जो है, यानी कि किशनगढ़ शैली में राधा और कृष्ण को जो है आधार नायक नायिका मान के राधा कृष्ण को चित्रित किया गया है। तो ये देखिए उस शैली का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, राधा कृष्ण का है। तो ये थी किशनगढ़ शैली। हालांकि किशनगढ़ शैली के बारे में आपको विशेष हम लोग डिटेल ला लेंगे बनी ठनी के बारे में, वहाँ पे आपको और बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राचीनतम विद्यमान मस्जिद, सबसे प्राचीन यानी कि जो मस्जिद है दिल्ली में, वो किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के शासक माने जाते हैं, जिन्होंने एक सबसे पुरानी मस्जिद का निर्माण करवाया था, इसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ये जो मस्जिद है ये 1192 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1197 में इसका निर्माण जो है पूरा हो चुका था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी। दोस्तों ये वो मस्जिद है जो है बिल्कुल कुतुब मीनार के पास में, कुतुब मीनार जो उसके पास में इस मस्जिद का जो है निर्माण करवाया गया था। और यह जो मस्जिद है इसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। और यह जो मस्जिद फेमस भी है, यहाँ पे मकसूरा और किबला लिवान इनकी वजह से प्रसिद्ध है। मकसूरा से बात करें, मकसूरा वो जो एक दीवार होती है जिसके सामने, यानी कि ये जो काबा और जो मदीना या मक्का मदीना की तरफ जो काबा की तरफ जो दीवार होती है, उस दीवार की जिसके सामने बैठ के ये नमाज अदा करते हैं उसको मकसूरा कहते हैं। जबकि किबला लिवान क्या होता है, किबला लिवान यानी कि दो दीवारों के बीच का जो कि जो स्पेस होता है, जो गैलरी टाइप जिसको हम कहेंगे, उसको किबला लिवान कहते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद फेमस है, जो कि सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दाखिल दरवाज़ा कहाँ है? बिहार, बीजापुर, बंगाल, दिल्ली। ये बंगाल में है दोस्तों, बंगाल में है ये दाखिल दरवाज़ा। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है, यानी वहाँ पे एक महल है जिसका नाम है लखनऊटी का गढ़, लखनऊटी। तो लखनऊटी का जो गढ़ है, उस गढ़ का ये प्रवेश द्वार था, क्या? दाखिल दरवाज़ा। और ये उस वक्त वहाँ के शासक बारबक शाह है, बारबक शाह है एक शासक हुए थे, उस बारबक शाह ने जो है इससे दाखिल दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह जो दाखिल दरवाजा है बहुत ही विशाल दरवाज़ा है। देखिए दोस्तों, ये वो दाखिल दरवाज़ा है जो लखनऊटी गढ़ का प्रवेश द्वार था। और ये छोटा सा नहीं है, ये हालांकि ईंटों से बनाया गया है ईंटों से, और काफ़ी विशाल है। आप देख पा रहे हैं, काफ़ी लंबाई चौड़ाई वाला ये है, इसकी वजह से काफ़ी फेमस है। और ये है कहाँ पर? ये है पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिला, जिले का नाम है मालदा। उस मालदा जिले में गौर नाम की एक जगह है, गौर, उस गौर नामक जगह पर है कौन सा दाखिल दरवाज़ा है ये। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में धातु के प्रतीकों को ढालने की कला व्यापक रूप से किस काल में देखी गई है? तो ये देखिए चोल काल में। देखिए दोस्तों, चोल काल में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि चोल काल में भगवान शिव की नटराज की कांस्य प्रतिमाएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिली है। इसके अलावा माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई गई है, यहाँ पर जो है किस लॉक्स वेस्ट जो प्रोसेस थी उसके तहत यहाँ पर बनाई जाती थी। इसके बारे में मैंने और भी विशेष जानकारी आपको दी थी पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है चोल साम्राज्य की बात आएगी इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा गुप्तकाल की विशालतम धातु प्रतिमा कला है? यानी कि गुप्तकाल की सबसे बड़ी विशालतम धातु प्रतिमा कला की बात करते हुए, सुल्तानगंज में खड़ी स्थिति में बुद्ध, यानी कि सारनाथ की बड़ी स्थिति में बुद्ध है। तो हालांकि उससे पत्थर से बनी है, बिहार की बुद्ध मूर्ति है पत्थर से बनी हुई है, बोधिसत्व की मूर्तियाँ ये हालांकि बनी है धातुओं से, लेकिन सबसे बड़ी ये प्रतिमा धातु की बात कर रहा है ये, तो ये सुल्तानगंज की प्रतिमा है जो एक खड़ी मुद्राएं मिली है, लगभग 500 क्विंटल जो है इसका वजन है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैंने पिछले वाले वीडियो में दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्र प्रतिमा, ये ताम्र की प्रतिमा है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, सोने का अत्यधिक प्रयोग और अत्यधिक सुसज्जित किनारे और दरबार के दृश्य निम्नलिखित में से किसके चित्रों की विशेषताएं हैं? तो यह है देखो शाहजहां के समय की। दोस्तों शाहजहां जो है, शाहजहां के समय जो मुगल चित्र शैली है वो एक दरबारी चित्र शैली बन के रह गई थी। यानी यहाँ पे उस वक्त जो है दरबार के चित्र हैं, व्यक्तियों के संगोष्ठियों के और दरबार के अदब कायदे हैं उनके चित्र शैली में बनने लग गए थे। और शाहजहां के समय इस में बारीक रेखांकन और मीनाकारी का कार्य होने लग गया था। हालांकि ये काम पहले होता था, लेकिन जो स्पेशली जो बात करें तो शाहजहां के समय इस शैली में बारीक रेखांकन है, मीनाकारी, ऐसे कार्य बनने लगे थे। इसके अलावा ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव भी जो है शाहजहां के समय होने लग गया था। ईसाई धर्म से संबंधित चित्र भी यहाँ पे बने थे। और शाहजहां जो थे इस समय इनके चित्रों के पीछे, सिर के पीछे प्रभा मंडल जो है उसका निर्माण स्टार्ट हो गया था, प्रभा मंडल भी जो बनने लग गया था। और बात करें इस समय जो है अनूप है, मीर हासिम, फ़कीर उल्लाह खां, मोहम्मद नादी, चिंतामणि, विचित्र, चित्रमन, ये इस समय के शाहजहां के कालीन चित्रकार थे। ठीक है, जबकि हम लोग जहांगीर की बात करें, इसमें जहांगीर दे रखा है, तो जहांगीर जो है जहांगीर के समय इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। और जहांगीर का जो काल है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, हम सभी जानते हैं। और इसके समय जो आकारिजा जो थे, आकारिजा एक प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने आगरा में चित्रशाला के निदेशक हुआ करते थे, या कहें कि प्रधान हुआ करते थे। और जहांगीर के समय छवि चित्र हैं, दृश्य चित्र अधिक मात्रा में बने थे। इसके अलावा जहांगीर के समय जो प्रमुख चित्रकार था, अबुल हसन प्रमुख चित्रकार हुआ था। इसके अलावा मंसूर है, मिश्किन है, बिसनदास है, ठीक है, ये उस वक्त के चित्रकार थे। जबकि अकबर की बात करें तो अकबर जो है इसके समय भी चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था, जो जहांगीर के पिता थे। और अकबर के समय भी इनके दरबार में काफ़ी सारे चित्रकार इसके दरबार में थे, जिनमें से दसवंत का भी नाम आता है, ठीक है, और बसावन का नाम आता है। जिस बसावन जिसने मजनू का एक चित्र बनाया था, मजनू का एक चित्र बनाया था जो काफ़ी फेमस है, जो अकबर के समय ही बना था, ठीक है। और दारा सिको कौन थे? दारा सिको जो औरंगजेब के भाई थे और शाहजहां के पुत्र थे, दारा सिको है। तो उसके समय तो हालांकि चित्रकला कोई ज़्यादा विशेष विकास नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लघु रंग चित्रकार यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, सदाशिव, पंचमुखी, महादेव निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली की एक प्रसिद्ध रंग चित्रकारी है, यानी कि शैली का एक फेमस चित्र है? कौन सा? सदाशिव, पंचमुखी, महादेव। आंसर इसका मंडी शैली। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मंडी शैली में है भगवान शिव की उपासना से संबंधित चित्र बने, किस शैली में बने हैं? मंडी शैली में ही बने हैं। तो अगला प्रश्न है, रंग चित्रकारी नीलगाय यानी कि पेंटिंग नीलगाय जो है किसके द्वारा चित्रित की गई है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जो जहांगीर हैं उसके समय फेमस चित्रकार थे, उनमें से आकारिजा, अबुल हसन, मंसूर, मिस्किन। तो मंसूर जो मिस्किन थे, दोनों क्या थे, ये पशु पक्षियों के चित्रांकन करने में काफ़ी माहिर थे, जिनमें से मंसूर जो है इसको जहांगीर द्वारा एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम था नादिर उल असर। ये उपाधि जो है ये दी गई थी मंसूर को, दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। और ये चित्र जो है इनका, यह वो चित्र है जो नीलगाय का है, ये जो बनाया था किसने? मंसूर ने बनाया था। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ये चित्र बनाया गया था, ठीक है, बहुत ही सादगी से बनाया गया। इसके अलावा जो पशु पक्षियों की बात कर रहा था मैं कि इन्होंने पशु पक्षियों के चित्र बनाए हैं, देखिए दोस्तों उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं मंसूर ने। तो ये मंसूर जो है जिनका पशु पक्षी चित्रण में काफ़ी सिद्ध हस्त थे, इसलिए इनको नादिर उल असर की उपाधि भी प्राप्त थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, श्रृंगार कविता के आध्यात्मिक उपदेश पर आधारित चित्र स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होते हैं, यानी किस में जो है श्रृंगार कविता के चित्र या उपदेश जो है वो देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर है रसमंजरी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो रसमंजरी जो है जिसका जो है रचनाकार भानुदत्त थे। जबकि रागमाला की बात करें तो रागमाला में रागमालाओं से यानी रागों से संबंधित चित्र बने, यानी कि 6 राग और 36 रागिनियां जो हैं उनके चित्र जो बने रागमाला में बने हैं। जबकि रासमंडल जो है ये इसके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा था, जयदेव जो ओडिशा के उस वक्त ओडिशा के राजा थे लक्ष्मण सेन, सेन वंश के राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके दरबार में थे जयदेव, जिन्होंने ये गीत गोविंद की रचना की थी 1116 ईस्वी में। और इसमें जो है रासलीलाओं से संबंधित, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो है चित्र देखने को मिलते हैं। हालांकि पूछा गया यहाँ पे श्रृंगार कविता के आध्यात्मिक उपदेश, तो इसका सही जवाब है रसमंजरी। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
लंबा मस्तक, कमानदार भौहें, कमल पंखुड़ी, समान नेत्र, ये निम्नलिखित में से किस शैली के सामान्य विशेषताएं हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किशनगढ़ शैली का मैंने आपको चित्र दिखाया था, किशनगढ़ शैली जिसके अंदर लंबी नुकीली नाक थी, खंजन पक्षी कहें या फिर हम लोग कमल की पंखुड़ी जो है, लंबी कमल की पंखुड़ी तो क्या, लेकिन खंजन पक्षी के समान बहुत ही लंबी आँखें बनाई गई थी और कमानेदार भौहें जो थी, ये किशनगढ़ शैली की ही विशेषताएँ थी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीजापुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट रंग चित्रकारी है? देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये इस प्रकार के जो चित्र हैं, ये इसमें विशेषताएं बताई गई है। विशेषताएं की बात करें, देखिए दोस्तों, इसमें कांगड़ा शैली भी दे रखा है, बसोली भी दे रखा है, बूंदी भी दे रखा है और किशनगढ़ भी दे रखा है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो नारी के चित्र जो बने हैं, यानी कहेंगे कि बहुत ही सुंदर जो चित्र बने, वो किशनगढ़ शैली में। इन सभी के कंपैरिजन में देखें तो किशनगढ़ शैली ही ज़्यादा आएगी, इसलिए इसका सही जवाब किशनगढ़ शैली होगा। वरना तो हमने पढ़ा था कि कांगड़ा शैली में भी जो है नारी कला सुषमा की शैली इसको कहा जाता है, तो कांगड़ा शैली में भी बहुत सुंदर नारी के चित्र बने हैं, लेकिन उसमें जो विशेषताएँ थोड़ी सी अलग है। लंबा मस्तक तो नहीं था वहाँ पर, एक सामान्य प्रकार से नारी बनाई गई थी, लेकिन किशनगढ़ शैली में ही जो है लंबा ललाट बनाया गया है, ढरवा ललाट बनाया गया है और लंबी नाक बनाई गई थी, जैसा कि मैं आपको चित्र दिखा चुका था। तो हालांकि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा बीजापुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है यानी रंग चित्रकारी है, तो इसका सही जवाब है इब्राहिम आदिल शाह है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है, उसका रूप चित्र जो है वो इस शैली का बहुत ही फेमस है, यानी बीजापुर में आदिल शाह शासक हुए थे। देखिए दोस्तों, ये वो पोर्ट्रेट है जो बनाया गया था, यानी पूरा एक आदमगत पोर्ट्रेट है, ये बनाया गया था जो है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड का है, और ये चित्र किसने बनाया था, हासिम ने बनाया था 6वीं शताब्दी में जो है, यानी लगभग जो शासक था इब्राहिम आदिल शाह है 16वीं शताब्दी में, माफ कीजिएगा, और 1620 ईस्वी में जो है इसका ये चित्र का निर्माण हुआ था, और शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ का एक एल्बम है उसमें यह चित्र संग्रहित है। ये देखिए दोस्तों, जिसके बॉर्डर जो है इसके ऊपर इस प्रकार से मीनाकारी का कार्य किया गया है। और मैं आपको बताया था कांगड़ा शिले, देखिए कांगड़ा शिले में इस प्रकार के चित्र बने थे जिसमें ललाट बहुत लंबा नहीं है और आंखें जो है, ये देखिए कमल की पंखुड़ी के समान या फिर खंजन पक्षी के समान आंखें नहीं बनाई गई है, देखिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से लंबा ललाट बनाया गया था, लंबी नाक बनाई गई थी, खंजन पक्षी के समान लंबी लंबी आंखें बनाई गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न है, प्रांतीय मुगल शैली में से कौन सी शैली अपनी आभूषण व किनारों की मोहक सज्जा के लिए प्रसिद्ध थी? तो प्रांतीय मुगल शैली की बात कर रहा है, तो अवध जो है वो मुगल शैली से काफ़ी समकक्ष रही थी, और अवध जो शैली है, इस अवध शैली का विकास 1750 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, 1750 से 1800 ईस्वी के मध्य, यानी 1752-1800 के मध्य जो है इस शैली का विकास हुआ था, और सुजाउद्दौला जो वहाँ का शासक हुआ था उसके समय यहाँ पे अंग्रेजी प्रभाव आने लग गया था। अवध शैली में जो है हाथी दांत के ऊपर भी चित्रण कार्य किया जाता था, हाथी दांत जो होते उसके ऊपर चित्रण कार्य इस शैली में देखने को मिलता है, और अवध शैली के जो लगभग जो चित्र हैं वो हमें विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता जो है वहाँ पर शैली के चित्र संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, चिनार वृक्ष की गिलहरियां किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? तो इसका सही जवाब है अबुल हसन, मधु गोवर्धन बिसंता साला की नहीं है, अबुल हसन, उसके साथ थे मंसूर का भी नाम इसमें आता है, मंसूर का जो नाम नकाश उसके ऊपर लिखा हुआ पाया गया है। देखिए दोस्तों, ये वो चित्र है जिसका नाम है चिनार वृक्ष के ऊपर गिलहरियां, और ये जो चित्र बनाया गया है ये अबुल हसन ने बनाया था, ठीक है। 1610 ईस्वी में इस चित्र का निर्माण किया गया था, और ये चित्र वर्तमान में कहाँ पर है, इंडिया ऑफिस एंड लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स लंदन जो है वहाँ पर ये चित्र रखा हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी का चित्र आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। और ये चित्र जो है, इस चित्र में जो पेड़ बनाया गया है, ये भी प्रश्न पूछा है कि चिनार वृक्ष पे गिलहरियां जो नामक चित्र, इसमें पेड़ जो है वो किस शैली में बनाया, तो पेड़ जो है वो भारतीय प्रभाव लिए हुए बनाया गया, पेड़ को भारतीय ता के साथ बनाया गया, जबकि जो ये गिलहरियां जो बनाई गई है वो किसमें बनाई गई है, यथार्थवादी शैली में बनाई गई है, अर्थात ये यूरोपीय शैली में बनी है। अगला प्रश्न है, लघु रंग चित्रकारी यानी कि जो मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा जिसमें कागज का उपयोग कब से शुरू हुआ था, तो 14वीं सदी में जो इसका शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि 14वीं सदी में जो है कागज़ का उपयोग शुरू हो गया था। हालांकि जो 15वीं सदी की बात करें, 15वीं सदी में छोटे छोटे कागज़ों को चिपका के जो है, पतले पतले कागज़ को चिपका के वसली बनाई जाती थी, जो उस वसली के ऊपर चित्र बनाए जाते थे, वसली जो कि वास्तव में वासल एक जो शब्द है फारसी भाषा का, उससे बना हुआ था, ठीक है। और लघु चित्र शैली की बात करें तो जैन और पाल शैलियाँ जो है वो लघु चित्र शैली की मुख्य शैलियाँ मानी जाती है, जिनका स्टार्टिंग से, यानी लघु चित्र शैली की जो स्टार्टिंग है वो इन शैलियों से मानी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि चित्र में तत्व विशाल जमुराद अपनी सर्वव्यापकता के साथ चित्र में
स्थान को आच्छादित करता है। हालांकि दोस्तों ये हिंदी जो है काफ़ी इसमें उस प्रकार से बनाई गई, इंग्लिश से शुद्ध हिंदी हुआ ये, तो इस प्रकार से हो गया है। तो जमुरात, हालांकि जमुरात के बारे में कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसका सही जवाब दे रखा है हमजानामा। हमजानामा जिसको दास्तान अमीर हमजा भी कहा जाता है, ये रोमांसवादी वीर गाथाओं के ऊपर और जादू टोनों पर और ये कहीं की रास लीलाओं के ऊपर आधारित ये पांडुलिपि है, यानी हाथ से लिखी हुई एक किताब है, जिसके अंदर जो है मोहम्मद साहब के जो भतीजे वगैरह हैं उनके द्वारा जो है एक यात्रा की जाती है, उसकी यात्रा के दौरान कौन कौन से उनको तकलीफें वगैरह आती है, उन सभी का वर्णन जो है इसके अंदर किया गया था। और जो अमीर हमजा के जो चित्र हैं वो सूती कपड़े के ऊपर, यानी कि सूती कपड़े के ऊपर कागज़ चिपका कर ये चित्र बनाए गए थे, ठीक है। और ये जो है हुमायूं ने अकबर के चरित्र निर्माण के लिए इसका निर्माण शुरू करवाया था, और इसका जो ज़्यादातर जो चित्रांकन वो अकबर के समय भी इसका हुआ था, ठीक है। हमजानामा का इसके जो चित्रों की जो शुरुआत है, यानी कि हमजानामा का चित्रण जो मीर शेद अली ने स्टार्ट किया था, बाद में अब्दुल समद जो है उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के किसके काल में मुगल चित्रकारों ने अपने चित्रों में यूरोपीय तत्वों का अपनाना शुरू कर दिया था, यानी कि जो यूरोपीय तत्व हैं यानी यथार्थवादी जो तत्व हैं वो अपनाने किसके समय शुरू हो गए थे? तो अकबर के समय। देखिए दोस्तों, अकबर के समय क्योंकि अकबर जो है अकबर के समय पुर्तगाली जो पादरी हैं उनका अकबर दरबार में आना शुरू हो गया था, और वो जो है उस समय वो जो यूरोपीय तत्व हैं वो मुगल शैली में आने शुरू हो गए थे, वहाँ पर परिप्रेक्ष्य का भी जो है प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अकबर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पांडुलिपि चित्रण तूतीनामा किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तूतीनामा है ये अकबर ने करवाया था। देखिए दोस्तों, अकबर जो अकबर के समय बहुत सारे भारतीय या फिर फारसी जो ग्रंथ है उनका अनुवाद भी हुआ था और उनके चित्रण कार्य भी हुए थे, तो ये स्पेशली हुए थे अकबर के समय हुए थे, जिनमें हम लोगों ने देखा था कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा हुआ था, अनवार सुहेली है, दानेर अयार दानिश है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका फारसी में अनुवाद हुआ था, उनका चित्रण भी हुआ था। तो ये तूतीनामा जो है, तूतीनामा वास्तव में क्या है, एक प्रकार से एक कहानी संग्रह है जिसमें 52 कहानियाँ हैं, 14 शताब्दी में इसका जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। और ये तूतीनामा जो है इसका चित्रांकन किया था किसने? दसवंत ने किया था। दसवंत जिसने खानदान तैमूरिया का भी चित्रांकन किया था, रजमनामा के चित्र भी बनाए थे दसवंत ने, तो ये तूतीनामा है, ठीक है। इसके अलावा तूतीनामा में जो है मैं बता रहा था 52 कहानियाँ हैं, इसमें खाजस्ता खोजस्ता और मुनमिस नाम के दो कैरेक्टर रहते हैं। इसमें पति का नाम मुनमिस होता है, उसकी पत्नी खोजस्ता होती है। जब उसका पति बाहर चला जाता है तो खोजस्ता नाम की जो पत्नी है उसको तूती यानी एक तोता कहानियाँ सुनाता है, वह उसको दूसरे जो व्यक्ति है उनके साथ संबंध बनाने से रोकने के लिए उनको वो कहानियाँ जो सुनाती रहती है सुनाता रहता है तोता। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं वो इसे तूतीनामा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लगभग इसका जो निर्माण है वो अकबर के समय 1550 ईस्वी के दशक में हुआ था। और ये तूतीनामा के जो चित्र हैं ये स्पेशली ब्रिटिश लाइब्रेरी और जो क्विनलैंड म्यूजियम है वहाँ पर रखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जे रंग चित्रकारी शैली किस रंग चित्रकारी परंपरा का स्मरण कराती है? तो एलोरा के रंग चित्रों का स्मरण कराती है जैन चित्र शैली, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ जैन पांडुलिपि चित्रों से संबंध नहीं रखता है? तो पंचतंत्र। देखिए दोस्तों, महापुराण कालकाचार्य कथा आदि पुराण ये जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन पंचतंत्र इनसे संबंधित नहीं है। पंचतंत्र जो इसका जिसके राइटर विष्णु शर्मा है, जिसमें पशु पक्षियों पर आधारित जो है बहुत सारी नैतिक कहानियाँ दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा शैली के पतन में निम्नलिखित शैलियों में से किसके आकर्षण में वृद्धि करने का मार्ग प्रशस्त किया था? तो इसका सही जवाब है राजस्थानी कला शैली, यानी कि राजस्थानी कला शैली जिसका प्रादुर्भाव हो गया था 16वीं 17वीं शताब्दी में, और जो गोलकुंडा शैली है उसका पतन भी 1688 के आसपास हो गया था। पतन यानी ये कहें कि उसका बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी थी 1589 से 1688 के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग चित्रकारी में विजयनगर भित्ति चित्रों का प्रभाव है? विजयनगर जो है जिसमें दक्षिणी शैली के रंग चित्र बने, मैंने आपको बताया दक्षिणी शैली में, यानी कि दक्षिण में विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्य हुआ करते थे। जो विजयनगर जो साम्राज्य था जो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है ये विजयनगर साम्राज्य था, जहाँ पर इस समय यानी विजयनगर के जो भित्ति चित्र हैं वो हमें लेपाक्षी वीरभद्र के मंदिर में, हम्पी के मंदिर में, वेलूर है, विरूपाक्ष का मंदिर है, बृजेश्वर के मंदिर है, यहाँ पर हमें बहुत सारे भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं जो दक्षिणी शैली के ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में मुगल लघु रंग चित्र के लक्षण की पहचान करें, यानी कि जो मुगल चित्र शैली है वो किसका समन्वय है? तो जाहिर सी बात है भारत और फारसी का ही है, क्योंकि फारस से जब बाबर भारत आया था तो अपने साथ फारसी चित्रकार ही लेकर आया था, तो इस प्रकार से भारत और फारसी शैली का ही
जो है लघु रंग चित्रण के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली राजस्थानी रंग चित्रकारी शैली से संबंध नहीं रखती, यानी राजस्थानी शैली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों चंबा है, जहर सी बात है, क्योंकि चंबा शैली पहाड़ शैली के अंतर्गत आती है, जबकि राजस्थानी शैली जो है इसके अंतर्गत जो है जिसको चार भागों में डिवाइड किया गया था। राजस्थानी शैली को मेवाड़ शैली, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ोती, जिसे मेवाड़ शैली में नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, उदयपुर आते थे, मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़ आते थे, ढूंढाड़ या मेवाड़ शैली में शेखावाटी, अलवर, उनियारा ये क्षेत्र आते थे, जबकि हाड़ोती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, राजा उमेश सिंह निम्नलिखित में से किस शैली के संरक्षक थे? तो इसका सही जवाब है कोटा शैली के, क्योंकि जो कोटा शैली है, कोटा शैली के जो शासक थे राम सिंह और उमेश सिंह, इसके समय कोटा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। दोस्तों याद रखें कोटा शैली जो उसको आखेट चित्रों की शैली कहा जाता है, या ये कहें कि सर्वाधिक आखेट चित्र, शिकार दृश्य के चित्र सर्वाधिक किसमें बने हैं? कोटा शैली में ही बने हैं। इसलिए कोटा शैली में उमेश सिंह, जिसका 1771 से 1820 के समय इसका टाइमिंग रहा था, कोटा शैली में गोविंद, लालचंद है, रघुनाथ दास, लक्ष्मी नारायण जैसे चित्रकार रहे थे। कोटा शैली की विशेष बात करें तो नीले रंग की प्रधानता रही थी और खजूर के पेड़ सर्वाधिक बने हैं, यानी कि नीले रंग की प्रधानता और खजूर के वृक्ष का चित्रांकन इस शैली में सर्वाधिक रूप से हुआ है, और वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव रहा था कोटा शैली में। इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजपूत रंग चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके आसपास घूमती है? उसका सही जवाब है भक्ति पंथ, यानी भक्ति संप्रदाय से संबंधित चित्र जो है वो राजपूत शैली में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 40 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आपको अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।